अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से अच्छे होंगे, जाओगे खुश होंगे। हम नई नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारे पास मौजूद है तोशीबा का लैपटॉप कोर i5 डायनाबुक R634L, जो हम आपको दिखाएंगे इसका क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जब इसको हम पावर लगाते हैं तो इसमें पावर बिल्कुल शो नहीं करता है चार्जिंग की। इसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ में हम इसकी डिसअसेंबलिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास लैपटॉप मौजूद है शिबा का। इसको जब हम प्लग करते हैं, प्लग करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी लाइट इंडिकेट नहीं कर रहा, और जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन भी नहीं हो रहा है। आइए दोस्तों इसकी डिसअसेंबलिंग करें और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं हम इससे पहले सब इसके स्क्रू रिमूव करेंगे। इसको हम रिमूव करेंगे, इसके नीचे भी स्क्रू है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसके कवर को रिमूव करेंगे। ये हमारे पास की पोजीशन आप देख सकते हैं मदरबोर्ड की। इससे पहले हम ऐसे करते हैं कि इसका हम बैटरी को रिमूव करके दोबारा एक बार पावर चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे। बैटरी हमने रिमूव कर दी। बैटरी रिमूव करने के बाद हम इसकी ये केबल्स को रिमूव करेंगे। तमाम केबल्स चेक रिमूव कर देंगे। स्पीकर रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इसकी हीट सिंक को रिमूव करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं 10 से 12 में इसका हम फैन को भी क्लीन करेंगे। ये देख सकते हैं इसको भी हम क्लीन करेंगे। क्लीनिंग करने के लिए इसका हम फैन के साथ हीटसिंग भी क्लीन करेंगे। इसके बाद हम इन केबल्स को भी रिमूव करेंगे।
साथ में ये वीडियो जो है इसको भी एलसीडी की केबल को भी रिमूव करेंगे। अब हम मदरबोर्ड की केबल्स जो स्क्रूज हैं इनको रिमूव करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका मदरबोर्ड हमने डिसअसेंबल कर लिया है। दोस्तों देखा किस तरह हमने इसकी डिसअसेंबलिंग की है और अब इसका हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है डिस्प्ले का, वो हम आपको डिस्प्ले भी दिखाएंगे और साथ में हम इसका पार्ट टू स्टार्ट करेंगे असेंबलिंग का, जिसमें हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम इसका मदरबोर्ड असेंबल करेंगे। उसके बाद हम इसके स्क्रूज लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी केबल्स लगाएंगे। सबसे पहले स्पीकर्स, फिर केबल्स, तो हम केबल्स को लगा देंगे। हम वीडियो के लगाएंगे केबल एलसीडी की, बाकी उसके बाद हम लगाएंगे फैन। और
उसके बाद किचन को लगा देंगे। हम क्लीन कर चुके हुए हैं, इसके बाद हम बैटरी को लगाएंगे। तमाम केबल्स वगैरह हमने लगा ली हैं, अब इसको हम ऑन करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास चार्जिंग जैक है, इसको हम लगाएंगे। इसको हमने ऑन कर दिया। देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले आ चुका है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है और विंडोज ओपन हो रही है। अब इसका हम बैक कवर लगाएंगे। तमाम स्क्रूज हमने लगा दिए हैं।
अब इसको हम ऑन करेंगे, देखेंगे इसको हम प्लग करेंगे, प्लग करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लाइट जल गई है। इसको हम ऑन करेंगे, और ये देख सकते हैं डिस्प्ले ऑन हो गया है। देखा दोस्तों किस तरह हमने तोशीबा के लैपटॉप का डिस्प्ले ऑन किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।